वेलकम टेक वेड गुरु, मैं आपका विकास आपको मेरे चैनल में फिर स्वागत करता हूँ। तो आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको सबसे पहले लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं जो ऑल इंडिया बेस पे आपको जो गवर्नमेंट फैक्ट्री है आपके ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, जिसको हम लोग बोलते हैं, इसका बोर्ड है आपका ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, उसमें जो आपके हर साल 2 साल के अंतर्गत जो आपकी वैकेंसी आती है अप्रेंटिसशिप की, जो कि आफ्टर 10th और आफ्टर ITI के बाद आप कर सकते हैं, तो वो आपके काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आई हुई हैं, जिनको कि हम लोग कहते हैं BTR। तो BTR का जो बैच आपका आया हुआ है, तो बैच नंबर जो आपका है वो यहाँ पे पता चल जाएगा, आप देखेंगे तो ये 56 बैच आपका आया हुआ है। तो किस प्रकार से इसको अप्लाई करना है, क्या इसका प्रोसेस है, ITI अगर आपने किया हुआ है, कोपा से हैं, फिटर से हैं, इलेक्ट्रीशियन है, वेल्डर मशीनिस्ट जो भी आपने किया हुआ है, तो आप ऑल इंडिया में कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट, क्या फीस लगेगी, क्या पूरा प्रोसेस है, इस वीडियो में आप देखेंगे, आपको सारी चीज़ें हम बताएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर कर दें अपने ग्रुप में जहाँ भी आप करते हैं, और कमेंट करें अगर आपकी कोई डाउट है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं किस प्रकार से ये आपका फॉर्म आपके लिए आया है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। तो इसको डाउनलोड करने के लिए आपको जाना पड़ेगा OFBIndia.gov.in पे जाएं, मैं होम पे कर दे रहा हूँ जिससे कि आपको वेबसाइट दिखाई दे पर्टिकुलर। तो ये वेबसाइट है आपकी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की, इसके अलावा और किसी वेबसाइट पर ना जाएं फॉर्म भरने के लिए, फॉर्म भरने का लिंक आपको ही मिल जाएगा। तो ये इनके चेयरमैन हैं आपके, जो कि डायरेक्टर जनरल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चेयरमैन हरि मोहन। तो ये वेबसाइट पे जाएं आप और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम इंडियन सिटीजन, ओनली इंडियन सिटीजन के लिए, अदर किसी बांग्लादेश या अदर किसी पड़ोसी देश के लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। और 56 बैच है फॉर Non-ITI, यानी कि हाई स्कूल इंटरमीडिएट एंड ITI वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इस पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने नोटिफिकेशन का PDF आ जाएगा, यहाँ पे क्लिक हियर टू ओके पे क्लिक कर दें, मोबाइल पे भी ओपन हो जाएगा और आपके कंप्यूटर पे भी ओपन हो जाएगा। तो इस प्रकार से PDF आ जाएगी, सारी जानकारी इसी में है। बेसिकली आपको अप्रेंटिसशिप पे अप्लाई करना है जैसा कि अब आप देख रहे हैं, और सबसे बड़ा चेंजमेंट जो इसमें आपका हुआ है, जो कि इससे पहले आपका होता था इसमें एग्जाम होता था, तो एग्जाम आपका जो है वो फिनिश हो गया है। BTR का ये जो आया अप्रेंटिसशिप, इसमें आपका एग्जाम है वो फिनिश है, टोटल मेरिट बेस पे आपका सिलेक्शन इसमें होगा जहाँ भी आप अप्लाई करेंगे। तो डेट जो दी गई है वो है 31/12/2019 को आपका ये फॉर्म एक्टिवेट किया गया था, और इसको आपको अप्लाई कर देना है अप्रेंटिसशिप की वेबसाइट पे जाके, किस प्रकार से करना है और क्या क्या इसमें आपको लगाना है सारी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। तो आपको कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी अप्लाइड थ्रू द गवर्नमेंट ऑफ पोर्टल अप्रेंटिसशिप, जो ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं, यानी कि ये अप्रेंटिसशिप का जो पोर्टल होता है इसमें आप हर दिन अप्लाई कर सकते हैं। एक बार आपने अप्लाई कर दिया लेकिन आपको फिर से अप्लाई करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है नेसेसरी है अप्लाई करें, फिर से री अप्लाई करें जाके, जो कि आपके लिए करना है। और कब तक करना है आपको, सबमिशन ऑफ ऑनलाइन 10/1 से आपका स्टार्ट होगा, ये सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम स्टार्ट होगा आपका 10/1 से। तो 10 तारीख के बाद आपको एक लिंक मिलेगा OFB बोर्ड पे या यहाँ पे आपको अप्रेंटिसशिप पे, जहाँ भी आपको लिंक एक्टिवेट करके दिया जाएगा तभी आप इसको फॉर्म भर सकते हैं। और क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन है 9/2, यानी कि 9 फरवरी। तो ये दो डेट जरूर आप ध्यान रखें। और क्या क्या जानकारी आपको इसमें जुटानी है वो आपको बता दे रहे हैं। फॉर ST/ST कैंडिडेट के लिए है 5 साल की छूट है, क्योंकि इसमें जो एज लिमिट होती है वो 15 साल से लेकर 24 ईयर है, क्योंकि हाई स्कूल में अगर आप पास कर चुके हैं तो बेसिकली आपकी एज 15, 16, 17 के बीच में होती है। तो बेसिकली फॉर्म जो है ये हाई स्कूल पास के वालों के लिए है, और इंटरमीडिएट जो पास है, और ITI अगर आपने किया है तो उनके लिए है। तो तभी आपकी एज जो है इसमें कम रखी गई है, 15 से 24 आपकी एज रखी गई है। और फॉर ST/ST कैंडिडेट 5 साल की छूट है, OBC के लिए आपकी 3 साल की छूट है, फिजिकल हैंडीकैप्ड है उनके लिए 10 साल की छूट है, जनरल में OBC में आपकी 13 साल, और ST/ST 15-15 साल की आपको छूट मिली हुई है जो कि नॉन टेक के लिए। और फॉर ITI स्टूडेंट के लिए अपर एज लिमिट इज फर्दर रिलैक्स बाय द पीरियड, तो सेम इसी तरह से होगा आपका जो ITI करके जाएंगे, तो ये सेम आपका प्रोसेस है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप देख लें, फॉर Non-ITI यानी कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट से अप्लाई कर रहे हैं तो शुड हैव पास्ड माध्यमिक, यानी कि 10th पास आपका होना चाहिए। डेट ऑफ नोटिफिकेशन 50% आपके मिनिमम परसेंटेज आपके होने चाहिए,
यानी कि 50% मिनिमम आपके ओवरऑल होने चाहिए और 40% मार्क इन मैथमेटिकल और साइंस इस सब्जेक्ट में, सभी में बाकी आपके 40% के ऊपर नंबर होने चाहिए, यानी कि 40 नंबर कम से कम होने चाहिए। फॉर नन आईटीआई कैटेगरी में जो आपके हैं, शुड हैव पास कोई भी ट्रेड हो आपके पास, कोई भी ट्रेड हो सकती है एनसीबीटी एससीबीटी की और एनी अदर रजिस्टर्ड, मतलब एनसीबीटी से आपका कोई भी अप्रेंटिसशिप का आपके पास होना चाहिए और मिनिमम 50% आपके होने चाहिए बोथ में, यानी कि 10th में और आईटीआई में दोनों मिला के 50% मिनिमम कम से कम होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपल सा प्रोसेस है, मैंने आपको बता दिया। वैकेंसी डिटेल के लिए, अभी जो वैकेंसी आपकी ओपन होगी 10 तारीख से फॉर्म, तो वहाँ पे आपको फॉर्म दिखाई दे जाएगा, किस प्रकार से अप्लाई करना है सारा यहाँ पे दिया गया। कैंडिडेट को ओएफबी पे जाना है, अभी लिंक वहाँ एक्टिवेट नहीं किया गया, 10 तारीख को आपको मिल जाएगा। फोटो वगैरह आपको लगानी है, रिसेंट क्लियर सॉफ्ट ऑब्लिक स्कैन कॉपी ऑफ कलर फोटोग्राफ 3.5 की, जो कि जेपीजी में होगी, और आपको अपलोड करना है सिग्नेचर और लेफ्ट थंब, तीन चीज आपको डॉक्यूमेंट में लगाने हैं, बाकी हाई स्कूल इंटरमीडिएट और आपका आईटीआई का डिग्री और आधार कार्ड, ये मोस्ट आपका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। स्कैन डॉक्यूमेंट आपको जो लगेंगे यहाँ पे दिया गया है, आधार कार्ड, हाई स्कूल कास्ट सर्टिफिकेट आपका लगेगा, हाई स्कूल इंटरमीडिएट एनसीबीटी का सर्टिफिकेट, तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो यहाँ पे दिए गए ये आपको लगाने हैं, इसको नोट कर लें। लिस्ट जो यहाँ पे काफी है, लंबी चौड़ी है, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे और आपको भेजने भी पड़ सकते हैं। तो इतना चीज आप लगा दें। मोड ऑफ सिलेक्शन है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है मेरिट बेस पे है, तो जरूर ध्यान रखें दोनों लोगों का जो होगा वो मेरिट बेस पे होगा, यहाँ पे आपका कोई एग्जाम नहीं होगा। मेरिट जो बेसिकली बनेगी आपके हाई स्कूल और आईटीआई के दोनों के नंबर मिला के आपके बनेगी आईटीआई वालों के लिए, और हाई स्कूल वालों के लिए होंगे उनके परसेंटेज के मार्क, ओवरऑल देखा जाएगा, एज देखा जाएगा, उसके अनुसार ये आपकी मेरिट तैयार की जाएगी, तो ध्यान रखें। और रिजर्वेशन जो है वो बेसिकली यहाँ पे दिया गया है, जो कि एसटी एसटी के लिए उनको थोड़ी बहुत छूट अपनी मिल सकती है इसमें, और जो ट्रेनिंग होगी वो आपकी एक साल की ट्रेनिंग होती है आपकी, सॉरी एक साल की नहीं होगी, जो अगर नन आईटीआई वाले होंगे उनकी 3 साल की ट्रेनिंग होगी, जो कि यहाँ पे दिया गया होगा 3 साल अगर हाई स्कूल लेवल अप्लाई करते हैं, और टेक्निकल वालों के लिए 2 साल की आपकी ट्रेनिंग इसमें होगी। मेडिकल आपको लगाना पड़ेगा, टर्म एंड कंडीशन यहाँ पे दिए गए हैं, कुछ ज़्यादा खास नहीं है, और पेमेंट जो है वो 100 रुपये आपको पे करनी पड़ेगी, जो कि ऑनलाइन पेमेंट भीम यूपीआई क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड किसी से माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा आपको, हेल्पलाइन नंबर भी इस बार जारी किया गया है जो कि टोल फ्री है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं 10 से लेकर शाम 4-5 बजे तक। तो इतनी चीज़ें इसमें आपकी दी गई हैं, बाकी डिटेल में नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको किस किस ज़िले में आप रहते हैं, जैसे कि ऑर्डनेंस केवल फैक्ट्री चंडीगढ़ की है, यहाँ पे सभी की दी गई डिटेल वाइज आप देख लें, अपनी ट्रेड देख लें, और काफ़ी सारी कोपा की भी हैं इसमें, जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ भी आपको, ये है कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, तो जो लोग इस पे हैं वो लोग इसके लिए अप्लाई कर दें, फिटर वाले फिटर के लिए अप्लाई कर दें, सारी ट्रेड यहाँ पे दी गई है। ये कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कहाँ पे है, ये आपकी मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी, तो जो भी लोग हैं इसके लिए अप्लाई कर दें। अप्रेंटिसशिप काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है आपकी, करीब 6060 आपकी इसमें टोटल है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।